और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करते हैं। बता दें आपको ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी रतिया से, जहां जनता टीवी की खबर का असर हुआ है। तो बड़ी खबर रतिया से आपको बता दें, खबर दिखाने के बाद एक्शन में नगर निगम आया है और स्कूल के बाहर से कूड़े का ढेर उठा लिया गया है। तो बता दें ये बड़ी जानकारी रतिया से, जहां जनता टीवी की खबर का असर हुआ और एसडीएम ने मामले में संज्ञान लिया। जनता टीवी ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद नगर निगम ने मामले में संज्ञान लिया और स्कूल के बाहर से कूड़े के ढेर को हटा लिया गया है। तो बड़ी जानकारी रतिया से और जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद नगर निगम एक्शन में आया और स्कूल के बाहर मौजूद कूड़े के ढेर को हटा लिया गया है और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। बता दें आपको मामले में एसडीएम ने संज्ञान लिया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और लगातार जनता टीवी की ओर से प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया। और अशोक ग्रोवर हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के लिए। अशोक, जनता टीवी की खबर का बड़ा असर रतिया में हुआ है, जहां पर स्कूल के बाहर कूड़े के ढेर को अब हटा लिया गया है। अशोक, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी। अशोक, जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, स्कूल के बाहर कूड़े का ढेर मौजूद था और जिस तरह से जनता टीवी ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद खबर का असर हुआ और मामले में एसडीएम ने भी संज्ञान लिया है। मैं आपको बता दूं कि ये रतिया के बीचों बीच दो गर्ल स्कूल हैं और दोनों गर्ल स्कूल के आगे जो कूड़े कचरे के ढेर थे, काफी बड़े बड़े, पिछले कई दिनों से पड़े हुए थे। हालांकि छात्राओं ने इसको लेकर जनता टीवी से संपर्क किया और कहा कि ये हमें से सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर जनता टीवी ने अपना फर्ज समझते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद एसडीएम ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। एसडीएम ने तुरंत नगर पालिका को आदेश दिए कि यह कूड़े के ढेर अभी उठने चाहिए। तुरंत नगर पालिका कर्मचारी पहुंचे ट्रालियां लेकर और कूड़े के ढेर वहां से उठाए, जिसको लेकर छात्राओं ने जनता टीवी का धन्यवाद किया। जी अशोक, जिस तरह से जनता टीवी ने मुद्दे को उठाया, एसडीएम ने मामले में संज्ञान लिया और निगम की ओर से भी कार्रवाई की गई, क्या पूरी तरह से इस कूड़े के ढेर को अब हटा दिया गया है स्कूल के बाहर से? स्कूल के बाहर से कूड़े के ढेर को उठा दिया गया है। उसके बाद जो स्कूल प्रशासन है, उसका कहना है कि आगे से ऐसा काम ना हो। उन्होंने नगर पालिका को ये भी कहा है कि इसके ऊपर ध्यान रखे। एसडीएम ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और सख्त आदेश दिए है कि स्कूल के आगे कचरा नहीं होना चाहिए। जी अशोक, कितने समय से ये समस्या यहाँ बनी हुई थी, क्योंकि जो कूड़े का ढेर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो काफी बड़ा है, ऐसे में समझना ये चाहते हैं कितने वक्त से ये समस्या यहाँ बनी हुई थी? 1300 के करीब इस स्कूल में छात्राएं हैं जो शिक्षा ग्रहण करने आती हैं और कूड़े के ढेर जो पिछले कई दिनों से लगे हुए थे, जब भी छात्राएं यहाँ से गुजरती थी तो उनको नाक के ऊपर कपड़ा लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि बदबू आती थी और बरसात के दिनों में तो छात्राओं की परेशानी और बढ़ जाती थी, क्योंकि जो कूड़े के ढेर थे वहां पे जब बरसात आती थी वो सारा पानी स्कूल के अंदर आता था। वैसे भी क्लासों में इस कूड़े के ढेर से बदबू आती थी। अब छात्राओं की समस्या का समाधान हुआ है, उन्होंने बिल्कुल अशोक, अब समस्या का समाधान हो चुका है और जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।